जांजगीर चांपा जिले में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई और जिले के सभी कोर्ट में समझौता योग्य मामले में आपसी समन्वय कराया गया। लोक अदालत में पारिवारिक विवाद से लेकर विद्युत मंडल, दूरसंचार विभाग और बैंक संबंधी मामले में आपसी समझौता कराया गया। लोगों ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बरसों से चल रहे केस में समझौता हुआ है। वहीं जज ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत समझौता योग्य मामले में आपसी सहमति से मामलों का पटाक्षेप किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं आदेशानुसार हर राज्य की भांति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में जांजगीर जिला में खंडपीठ बनाया गया है, जिसमें से एक खंडपीठ ये परिवार न्यायालय का है। और हमारे न्यायालय में मैडम हैं सुलहकर्ता के सदस्य के रूप में। और मैडम आज 23 हमारे यहाँ टोटल 23 केस राजीनामा के लिए लगा हुआ था परिवार के विवाद के संबंध में, चाहे वो भरण पोषण का हो, चाहे वैवाहिक संबंध दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन का हो, या बच्चों की कस्टडी से संबंधित हो या अन्य विवाद हो। तो ऐसे 23 मामले चिन्हित करके पहले प्री सीटिंग वगैरह करने के पश्चात में आज के लिए नियत हुआ था। उसमें से बहुत से केसेस में हो सकता है कि कल महाशिवरात्रि के कारण नहीं आ पाए, जिसमें कुछ में ऐसे पक्षकार थे कि थोड़ा बहुत और बातचीत करने के लिए उनको अवसर चाहिए था। ऐसे केस को छोड़कर बाकी अच्छे परिणाम आज देखने को मिला है। हम लोग मैडम सारे लोग प्रयास किए, तो हमारे सकल प्रयास से बहुत से परिवार जो है संयुक्त रूप से जो बिछड़े हुए थे वो आज एक साथ गए हैं और एक साथ अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिए राजीनामा हुआ है। और जो बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए थे, दोनों में से किसी एक के पास रह रहे थे और एक के स्नेह दुलार से वंचित हो गए थे, वो भी आज संयुक्त हुए हैं। तो आज का ये हमारा लोक अदालत का रहा सफलता है।